मैं आरती आदि मन के चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस नवरात्रि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटे से आलू बड़े की रेसिपी, जिसे आप पूरे 9 दिन बनाकर खा सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। जब रोज़ रोज़ साबूदानी की खिचड़ी से हो गए हैं बोर और 9 दिन के व्रत में कुछ अलग सा खाने का मन करे, उस टाइम पे आप बनाएं आलू और सिंघाड़े के आटे के बहुत ही टेस्टी कुरकुरे से आलू बड़े, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया ये आलू बड़े देखने में, खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू और सिंघाड़े के आटे के नवरात्रि व्रत स्पेशल आलू बड़े। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 4 महीने उबले हुए आलू लिए थे, और जब आलू आपके अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद ही आपको इन्हें रेसिपी में यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये आलूओं को हम मैश कर लेंगे। मैश कर लिया है तब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस के ऊपर मैंने रखा है पैन, पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च के एकदम बारीक बारीक कट करके लिया है उसे भी ऐड कर देंगे, 1 इंच अदरक को भी ग्रेट करके लिया है। अगर आप व्रत में अदरक खाते हैं तो डालें, वरना आप अदरक को स्किप भी कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए अदरक और मिर्ची को हम हल्का सा भून लेंगे। अदरक और मिर्ची को भी हमने हल्का सा भून लिया है, बस आपको इन्हें इतना ही भून करके तैयार करना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने आलूओं को मैश करके रखा है। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। आज हम ये नाश्ता व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें व्रत वाले नमक का ही यूज़ करें। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करें और एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे आलू को सभी चीज़ों के साथ में। सभी चीज़ों को आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब खूब सारा इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी चटपटी से स्टफिंग हमारी तैयार है। तो अभी से हम एकदम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। स्टफिंग हमारी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम बड़े के लिए घोल तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, तो इसे बाउल में डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक हमने स्टफिंग में भी डाला तो आप ध्यान से ही नमक यूज़ करें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आप इसकी जगह पे हरी मिर्च का एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक को ग्रेट करके लिया तो उसे भी ऐड कर देंगे, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को पहले, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। एक साथ आपको पानी नहीं ऐड करना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि कितना गाढ़ा घोल आपको तैयार करना है। बड़े बनाने के लिए ये घोल हमारा एकदम तैयार है, और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके घोल की। इसे मैंने आधे गिलास से भी थोड़े कम पानी का यूज़ किया है। घोल आपका इतना ही गाढ़ा होना चाहिए तभी आपके बड़े एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। स्टफिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और पहले उसे अच्छे से बाइंड करेंगे, और इसके हम छोटे छोटे से बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके के, एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और पहले उसे अच्छे से बाइंड करना है और प्रॉपर गोल शेप देके बड़े बना लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे ही सभी बड़ों को बना के पहले हम तैयार कर लेंगे। स्टफिंग में से मैंने सारे बड़े बना के तैयार कर लिए हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार घोल को वापस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें से हम एक एक बड़ा लेंगे और इस तरीके से आपको घोल में डिप करना है, और इस तरीके से चम्मच से उठाएंगे और डायरेक्ट आपको ऑयल में डालते जाना है। तब चलते हैं हम गैस की तरफ। बड़ों को तलने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये ऑयल भी हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तब एक एक करके हम इसमें बड़े डाल देंगे, थोड़े दूर दूर ही बड़े आपको डालने हैं। एकदम अच्छे से घोल के साथ में डीप करेंगे, और बड़ों को हम थोड़ी थोड़ी देर में अल्टाते पलटाते हुए हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे, एक बार सभी बड़ों को पलटा देंगे।
और अब थोड़ी थोड़ी देर में उलटाते पलटाते हुए वड़ों को हम दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। वड़ों को हमने थोड़ी थोड़ी देर में उलटाते पलटाते हुए हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, तो निकाल लेंगे इन्हें हम। एक मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे जिससे वड़ों का एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में चला जाए। निकाल करके टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे वड़ों को और ऐसे ही अपने बाकी बचे हुए सभी वड़ों को भी बना के तैयार कर लेंगे। नवरात्रि व्रत स्पेशल आलू और सिंघाड़े के आटे के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से वड़े हमारे तैयार है। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया ये आलू वड़े देखने में, खाने में भी उतने ही टेस्टी है और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और इतना आसान है इन्हें बनाना कि आप पूरे 9 दिन बना के खा सकते हैं। तो इस नवरात्रि आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।